हेलो गाइस, तो आज मैं ट्रेड लेकर प्रॉफिटेबल बना या मैंने लॉस किया आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा पीएनएल जो है आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो पोर्टफोलियो में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी 34,500 पीई एक लॉट लिया था 911 लॉस, ओके। इसके बाद 34,600 का पीई लिया था 513 रुपीज लॉस, और 16,400 पीई निफ्टी का था वो भी लॉस। मतलब यहाँ से आप क्या जान सकते हो, यहाँ से आप जान सकते हो कि मेरा जो व्यूज़ है मार्केट में आज निगेटिव था, मतलब मुझे सेल करना था, ओके। मतलब डाउन साइड में जाकर मुझे प्रॉफिट बुक करना था। बट क्या हुआ, मार्केट ओपन होते ही मैंने तो कुछ टाइम 3-4 मिनट बाद ही शायद मैंने पोजीशन ले लिया था। आपको ऑर्डर बुक पे जाकर दिखाते हैं पोजीशन मैंने कब लिया था, ओके। टाइम देखिए, हाँ, ओपन होने के 3-4 मिनट बाद, जैसे वो 9:15 को ओपन हुआ तो मैंने देखिए 9:18 पे ट्रेड ले लिया, 9:18 पे ट्रेड ले लिया था। इसके बाद मैंने सेल कब किया, 9:23 पे। देखिए 9:23 में सेल करने के बाद मैं दोबारा 9:25 पे एंटर किया एक लॉट पे। मेरा रिस्क रेशियो जो है वो मैं पूरा टोटली मेंटेन करके रखता हूँ, ठीक है, 1:2 करके। तो जब मुझे लग रहा था कि मैंने व्यूज तो अपर डाउन साइड कर लिया मेरा व्यूज था, बट मेरा जो स्टॉप लॉस था वो भी स्ट्रिक्ट था। मुझे लग रहा था मार्केट नीचे आएगा, ओके, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद हो तभी मार्केट नीचे आएगा। बट मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस जब आया मैंने स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हो वो मार्केट नीचे आया, ओके। तो आपको दिखाते हैं, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, मैंने कब एंट्री किया, क्या किया, सब कुछ आपको बताते हैं, ओके। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया मैंने, 1 मिनट का चार्ट है ये, ओके। तो मैंने 9:18 पे एंटर किया था, तो आपको 9:18 का चार्ट दिखा दिया, ओके, 9:26, ओके। तो देखिए गाइस, तो आपका हो गया 9:17, 9:18। ये वाला जो रेड कैंडल है इस पर मैंने एंटर किया था, इसने एक ब्रेकआउट भी दे रहा था, ओके। तो फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट दिया, तो मैंने आपको पता ही होगा मैं स्टॉप लॉस हंटिंग का जो स्ट्रेटजी है वो यूज़ करता हूँ। तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई को ब्रेक किया, करने के बाद एक रेड कलर का कैंडल फॉर्म हुआ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एंटर कर लिया डाउन साइड के लिए, पुट के लिए, ओके, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में। उसके बाद मैंने वेट किया मार्केट का यहाँ तक, ओके। यहाँ पर ये वाला जो कैंडल है, देखिए ये वाला जो कैंडल है, ओके, 9:33 का जो कैंडल है, इस कैंडल पे मैंने शायद एग्जिट किया, एक मिनट, यहाँ पर नहीं, मैंने कहाँ पर एग्जिट किया था, सॉरी, 9:18 पे बाई किया था, 9:23 पे मैंने किया था ना, ओके, आपको पता 9:23 का कैंडल कौन सा होगा, ओके। देखिए इस पे एंटर किया था और इस कैंडल पे मैंने एग्जिट कर लिया। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट में यहाँ से भी और ऊपर गया, ओके, देखो मार्केट और ऊपर गया। अगर मैं इस पॉइंट पे, देखो ये एक ब्रेकआउट आया था, ओके, 34,600 का ब्रेकआउट यहाँ पर आया था। इस पॉइंट पे अगर मैं वेट करता और ये वाला कैंडल जो है इस कैंडल पे या रेड कैंडल पे अगर मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लेता, तो आप देख सकते हो इसके बाद सीधा मार्केट कितने पॉइंट तक नीचे आया, 34,200 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया, ओके, 34,650 से 34,450 तक अप्रॉक्स आया, तो 200 पॉइंट्स का मूवमेंट था। तो मेरे जो एनालिसिस थे एनालिसिस के हिसाब से ही ट्रेड हुआ, फिर भी मेरा स्टॉप लॉस जीरो हो गया। तो इस वीडियो से आप क्या सीख सकते हो, मार्केट में जब भी आप ट्रेड लो तो अपना टारगेट फिक्स कर लो, अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर लो, ओके। आपका जो टारगेट है वो एक्सपांड आप कर सकते हो, ओके, मार्केट को देखकर। आपका जो स्टॉप लॉस है वो कभी भी आप एक्सपांड मत करना अगर आपके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है। आप जो अपना स्टॉप लॉस है उसको एक्सपांड कर सकते हो, कब कर सकते हो, जब आपको श्योरली पता होगा कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है, मेरा एंट्री गलत हो गया, थोड़ा सा और ऊपर जाकर शायद मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो मोर देन 70% है, तब आप जो है लूजिंग ट्रेड वो होल्ड कर सकते हो फॉर बेटर प्रॉफिट। अदरवाइज आप कभी भी लूजिंग ट्रेड होल्ड मत करना, प्रॉफिटेबल ट्रेड आप होल्ड कर सकते हो, मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँगा, बट लूजिंग ट्रेड कभी भी होल्ड मत करना। इसलिए अगर लूजिंग ट्रेड लोग होल्ड करते हैं और 90% लोग शेयर मार्केट में लॉस कर जाते हैं, बोलते हैं कि गैम्बलिंग नहीं है, ओके, इसलिए आप लूजिंग ट्रेड होल्ड मत करना और प्रॉफिटेबल ट्रेड कोई भी होल्ड नहीं कर पाएगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेड होल्ड कर पाओगे। मेरा भी इतना साइकोलॉजी लेवल स्ट्रांग नहीं है कि मैं होल्ड कर पाऊँ, प्रॉफिटेबल ट्रेड बहुत मैं भी मिस कर देता हूँ, प्रॉफिट थोड़ा प्रॉफिट में भी मैं निकल जाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ मार्केट बहुत नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे करते करते ही आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। बस जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो होल्ड करना अभी ना आए तो भी कुछ पता नहीं, पर लूजिंग ट्रेड है वो अवॉइड करना, वो जल्दी से एग्जिट करना पहले।
एक व्यूअर बनाने के लिए इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि फ्यूचर आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन